अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल कुरु वश्रबू। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी, जो कि स्मोकी फ्लेवर देता है और खाने में एकदम टेम्पटिंग सा लगता है। इसको आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं और अगर एक बार आप इसको बनाकर खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतना बढ़िया टेस्ट होता है इसका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बैंगन लिए हैं और इन बैंगन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इनमें इस तरीके से कट लगा देंगे, लंबे लंबे 3-4 कट। और इन कट को लगाने से हमें ये फ़ायदा भी होगा कि हम इसमें देख लेंगे कि कहीं बैंगन ख़राब तो नहीं है। तो हमारा कोई भी बैंगन ख़राब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ लहसुन को छील कर रखा हुआ है और कुछ हरी मिर्चें हैं मेरे पास। तो इनमें जो हमने कट लगाए थे, इनमें ये लहसुन और हरी मिर्चें फिल कर देते हैं। तो एक एक कट में हम कोई ना कोई लहसुन या कुछ हरी मिर्चें फिल करते जाएंगे और इससे क्या होगा कि इस बैंगन का टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और हरी मिर्चें मैं इसमें फिल कर देती हूँ। तो देखिए, हरी मिर्चें और लहसुन दोनों को हमने इन बैंगनों में स्टफ़ कर दिया है और इसके बाद हम इन बैंगन पर ऑयल लगा देंगे, क्योंकि हमें इनको भूनना है। तो हम इसके लिए इस पर ऑयल लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर रखकर मैं बैंगन को भूनूंगी और फ्लेम को मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा ऊपर से और अंदर से ये गलेगा नहीं। तो फ्लेम का अच्छे से ध्यान रखना है। तो पलट पलट कर हम इसको भून लेंगे। तो देखिए, बैंगन में एक बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगी है और ये अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसी तरह से हम दूसरे बैंगन को भी भून लेते हैं। और बैंगन को भूनने के बाद हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर आप कह सकते हैं इनको, और हम यहाँ पर टमाटरों को भी भून लेंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने बैंगन को भूना था, थोड़ा सा ऑयल लगाकर। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर भी हमारे भून चुके हैं। इसके बाद हमारे बैंगन जो हैं वो अब ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनका छिलका जो है वो उतार लेते हैं। तो बैंगन और टमाटर दोनों का छिलका हम उतार लेंगे। ये देखिए, बैंगन और टमाटर दोनों छिलके उतरकर अब तैयार हैं। तो अब हम इनको एक नाइफ़ की मदद से चॉप कर लेंगे। बहुत बारीक हमें इनको चॉप नहीं करना है, थोड़ा मोटा थोड़ा बारीक हम इस तरीके से इसको चॉप करेंगे। तो अच्छे से हमारे ये बैंगन यहाँ पर चॉप हो गए हैं। तो अब हम इनको बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ले लिया है 4 बड़े चम्मच ऑयल। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें एक छोटा चम्मच ज़ीरा ऐड कर दूंगी, और ज़ीरा जब कड़कने लगेगा तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 छोटा चम्मच हींग। हींग यहाँ पर बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, हींग को ज़रूर डालिए और हींग को अच्छी क्वांटिटी में डालिए तो आपके बैंगन के भरते का टेस्ट एकदम लाजवाब आएगा। तो हींग को भी 1 मिनट तक भूनने के बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और इनको भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसी बीच में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बारीक कटी हुई 1 टीस्पून अदरक, और अदरक को भी इन प्याज़ों के साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे अदरक का टेस्ट इसमें इन्हेंस होकर आएगा। तो यहाँ पर हमारी प्याज पिंक हो चुकी है और गोल्डन होना शुरू हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं वो टमाटर जो हमने भून कर रखे थे और उनको हमने चॉप कर लिया था। तो इसके बाद इस ऑयल में उन टमाटरों को डाल देंगे और जो थोड़े बहुत लहसुन थे जो चॉप होने से रह गए थे, वो भी हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे, और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। इस नमक को डालने से ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी और ये जल्दी गल जाएंगे। तो नमक को मिक्स करने के बाद 3-4 मिनट तक इस मसाले को भून लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट तक हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बैंगन जो कि मैंने चॉप करे थे। तो बैंगन को भी इस मसाले में ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो थोड़े बड़े बड़े पीसेस हैं उनको भी इस चम्मच से छोटे करते जाएंगे। तो 5-6 मिनट तक इसको पकाने के बाद बैंगन का भरता हमारा बिल्कुल तैयार है, और इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन बैंगनों में। ये वाला बैंगन का भरता इतना टेस्टी होता है कि आप इसको रोटी पराठे या पूरी के साथ खाएंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा बस, और ये एकदम ढाबा स्टाइल बनकर तैयार होता है।
तो कैसी लगी है आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए। और फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फी अमान अल्लाह।